नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू द अनदर इंस्टाग्राम लाइव विद अ सीरीज ऑफ ब्रांड एंड ब्रांड मैनेजमेंट। और आज हम बात करेंगे ब्रांड प्रमोशन की, 10 एपिसोड के ऊपर बात चलेगी। तो इन दिस थीम ऑफ द ब्रांड प्रमोशन, द फर्स्ट कम एट द ब्रांड नेम। तो किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वापस सर रिपीटेटिव है, फिर भी मैं इसको कवर करना चाहूँगा कि व्हाट आर द बेस्ट टिप फॉर अपकमिंग ब्रांड नेम। क्या टिप्स बेस्ट हो सकती हैं ब्रांड नेम के लिए, क्योंकि मैं खुद ब्रांड नेम कंसल्टेंट हूँ, खुद लोगो डिज़ाइन ब्रांड के लिए करता हूँ। सो आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रांड्स। बिफोर यू मूव इनटू द बिजनेस, यू शुड अंडरस्टैंड द ऑल द एनाटॉमी ऑफ योर ब्रांडिंग। तो देयर आर द 6 स्टेप्स वेरिन यू शुड स्टार्ट गिविंग द ब्रांड नेम टू योर बिजनेसेस। उसके लिए ये 6 स्टेप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें से पहला आता है पर्सोना बायर। वन शुड नो हु इज योर बायर, आपका बायर कौन है, किसके लिए आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका एंड प्रोडक्ट किसके तरफ जाएगा, कौन उसको बाई या परचेस करेगा। यू शुड नो दैट दैट इज अ पर्सोना बायर। इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक्स, इसमें बोलते हैं द ऑडियंस डेमोग्राफिक, मेल है, फीमेल है, एज जेंडर क्या है, डिवोर्सी है, मैरिज के हैं, ट्रांसजेंडर के लिए है, गे लेस्बियन के लिए है, टीनेजर के लिए, एडल्ट के लिए है, किड्स के लिए ये प्रोडक्ट है, कौन से एज ग्रुप के लिए है, वुमेंस में किसके लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, या हाउस होल्ड या हाउस वाइफ के लिए बनाया गया है, डिवोर्सी के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, या सिंगल वुमेन के लिए बनाया गया है, सिंगल मैन के लिए बनाया गया है, कंपटीले बैचलर उनके लिए बनाया गया है। तो जितना ये डेमोग्राफिक क्लियर होगा, पर्सनल बायो ना पर्सोना बायर का ये क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड आती है डिफरेंशिएट योरसेल्फ। आपको मार्केट में देखना है ब्रांड नेम चूज करने के लिए, लेकिन बाकी लोगों से आप कैसे डिफरेंट करते हो, ठीक है। ये सेकंड स्टेप में जानने के लिए, तो अपने ब्रांडिंग को नेम देने के लिए आप दूसरों से अलग कैसे हो सकते हो, ऐसी क्या चीज़ें जो दूसरों से आपको अलग कर देती है, ठीक है। चाहे आपकी वो ब्रांडिंग में आपका नाम हो, चाहे आपकी वो प्रोडक्ट हो, चाहे आप इनोवेटिव प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अलग करती है, उसको भी पेपर पर नोट डाउन करना है। तीसरी आती है हो तो ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ विद अ डिफरेंट कीवर्ड्स। अलग अलग कॉम्पिटिटर के कीवर्ड को चेक करना है, वो कौन से कीवर्ड यूज़ किया है, क्या कोई जेनेरिक कीवर्ड उसने यूज़ किया है, या कोई इंडस्ट्री का कीवर्ड यूज़ किया है, या एकदम ही नेचुरल वर्ड को।